नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज हम वास्तु के 16 दिशाओं को एक ही अंक में, संक्षेप में और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं, या आपके घर का निर्माण हो रहा है, या आप अपने घर का वास्तु संतुलन जांच करना चाहते हैं, तो यह अंक आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। हम बात करेंगे 16 दिशाओं की। वास्तु के ग्रंथ के अनुसार 16 दिशाएं हैं, हालांकि ग्रंथ में सीधे तौर पर 16 दिशाओं का कहीं जिक्र नहीं मिलता है, परंतु श्लोकों द्वारा ये बताया गया है कि 16 दिशा होते हैं और उन दिशाओं का अपना अपना एक गुण और धर्म होता है, और प्रत्येक दिशा के गुण और धर्म के अनुसार उस दिशा में चीज़ों का निर्माण किया जाता है, वास्तु की स्थापना की जाती है। जब हम गलत दिशा में गलत चीज़ों की स्थापना करते हैं, तो वास्तु दोष यहीं से उत्पन्न होता है। बहुत ही सरल है। मूल कंसेप्ट को यदि आपने समझ लिया, 16 दिशा के गुण और उसके धर्म को, कि कौन सा दिशा किन चीज़ों को सपोर्ट करता है, किन चीज़ों का विरोध करता है, वास्तु असंतुलन बिल्कुल नहीं होगा। चलिए हम इसे एक तरफ समझने का प्रयास करते हैं। वास्तु के 16 दिशाओं को हम वास्तु चक्र की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। 16 दिशाओं के गुण एवं धर्म, शुरुआत करते हैं हम नॉर्थ दिशा। यह देख लें, यह दिशा, यहाँ से ये जो मैंने आपको काट के दिया, ये देखिए, ये है नॉर्थ दिशा। मूल रूप से जब हम 16 बराबर भागों में इसे बांट देते हैं, अलग अलग 16 बराबर भागों में, तो नॉर्थ के पास ये 22.5 डिग्री का क्षेत्र आता है, जिसे हम नॉर्थ कहते हैं। अब ये नॉर्थ दिशा का गुण क्या है? ये नॉर्थ कहलाता है मनी एंड अपॉर्चुनिटी का क्षेत्र, अर्थात आपके जीवन में जो आपको मौके मिलेंगे आगे बढ़ने के, ग्रो करने के, वो यही क्षेत्र देगा। आपको लगता है कि जीवन में इस क्षेत्र में समस्या है, पैसा, धन से संबंधित और ग्रो करने से संबंधित आपका उत्तर क्षेत्र डिस्टर्ब हो सकता है। यह है वाटर एलिमेंट का क्षेत्र। यह डिस्टर्ब कब होगा, इसे मूल रूप से समझें। इस क्षेत्र में आपने रसोई बना दिया, वाटर एलिमेंट है, फायर क्रिएट कर दिया, असंतुलन उत्पन्न हुआ और इसका सीधा प्रभाव आपके मनी और अपॉर्चुनिटी पर पड़ेगा। तो यहाँ पर रसोई क्रिएट आपको नहीं करना है। इस क्षेत्र में आपने टॉयलेट क्रिएट कर दिया, टॉयलेट की एक्टिविटी होती है डिस्पोजल, अर्थात विसर्जन करना टॉयलेट की एक्टिविटी है, अर्थात वो क्या करेगा कि आपके जीवन से मनी और अपॉर्चुनिटी, जो मौके मिलने वाले हैं, जो धन मिलने वाला है, जो ग्रो करने का चांस मिलने वाला है, उसको डिस्पोज, विसर्जन कर देगा, अर्थात बाहर कर देगा। तो टॉयलेट वाली एक्टिविटी यहाँ पर नहीं लेनी है। सेप्टिक टैंक बिल्कुल नहीं। सेप्टिक, ये क्या है, जल एवं शुद्धता का दिशा है। आपने अशुद्ध कर दिया सेप्टिक टैंक बनाकर, इसके एनर्जी को वो डिस्ट्रॉय कर देगा, तो यह गलती नहीं करना है। इस क्षेत्र में आपने कूड़ादान बना रखा है, स्टोरेज बना रखा है, इसके एनर्जी को डिस्ट्रॉय करेगा, तो इन चीज़ों से बचना है। ये तो हो गई नॉर्थ। अब नॉर्थ के बाद दूसरी दिशा आती है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये देखिए, ये जो दिशा आ रही है, ये किसका क्षेत्र है? ये क्षेत्र है आपके स्वास्थ्य लाभ का, ये क्षेत्र है आपके आरोग्यता का, यह क्षेत्र है आपके हेल्थ एवं इम्यूनिटी का। तो इतना समझ लें कि आपके घर में यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम स्वस्थ हैं तो सब कुछ अच्छा है, यदि हम अस्वस्थ हो जाते हैं तो सब कुछ बेकार लगता है। तो यह क्या, हेल्थ और इम्यूनिटी का क्षेत्र। ये कहाँ आया? ये आ गया उत्तर दिशा के बाद, आपके ईशान कोण और उत्तर दिशा के बीच वाले क्षेत्र में ये आ गया। इस क्षेत्र की ऊर्जा को डिस्ट्रॉय कौन करेगा? यह भी वाटर एलिमेंट वाले एरिया के अंदर आता है। इसे डिस्ट्रॉय कौन करेगा? रसोई, किचन बन जाएगा, इसे डिस्ट्रॉय कर देगा, अर्थात हेल्थ और इम्यूनिटी पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा यदि यहाँ रसोई बना दिया।
आपने इस क्षेत्र में गहरा लाल रंग ले लिया, आपके यहाँ हेल्थ और इम्यूनिटी की प्रॉब्लम ये क्रिएट कर देगा। सेप्टिक टैंक बना दिया, शौचालय बना दिया, बहुत ही बुरा रिजल्ट मिलेगा। तो ये स्पष्ट हो गया कि हेल्थ और इम्यूनिटी चाहिए तो इस क्षेत्र को हमें शुद्ध, साफ सुथरा और अनुकूल रखना पड़ेगा। किन चीज़ों को नहीं करना है आपने समझ लिया। अब तीसरी एक्टिविटी देखें, तीसरी चीज़ है ये ईशान को नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र, यह क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र, यह भी वाटर एलिमेंट में कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक का ये चार दिशा, 16 में से ये चार दिशा यहाँ से यहाँ तक वाटर एलिमेंट के अंतर्गत आता है। और ईशान कोण देव का स्थान, देवताओं का स्थान, आध्यात्मिक का स्थान, ध्यान करने का स्थान, केंद्र, ध्यान को केंद्रित करने का स्थान यह है, पूजा का स्थान है। तो इस क्षेत्र को भी आपको दूषित नहीं करना है, ना ही रसोई लगा सकते, ना ही टॉयलेट लगा सकते, ना ही सेप्टिक टैंक लगा सकते, ना ही फायर एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं, रेड कलर क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं। इन चीज़ों से आपको बचना है, भारी निर्माण भी नहीं करना है। तो मूल चीज़ें समझे तो यहाँ तक है ये वाटर एलिमेंट, इसे हमने बैलेंस कर लिया था, ये चार दिशा आपने देख लिया। अब आते हैं, इसके बाद आता है वाटर एलिमेंट के बाद ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ग्रीन लाइन है, ये है आपका, ये देख लीजिए, ये ग्रीन लाइन जो है, ये एक देखिए, इसमें मूल रूप से पांच एनर्जी है, इसे समझ लें। जैसे ये है वाटर एलिमेंट, ये रेड वाली है फायर एलिमेंट, ये सभी लोग जानते हैं। उसके बाद है अर्थ एलिमेंट, ये है स्पेस एलिमेंट, और ये है एयर एलिमेंट पूर्व में। ये पांच एलिमेंट है। तो यहाँ पर क्या है अब, है ये ग्रीन वाली है एयर एलिमेंट, हम एयर एलिमेंट को बैलेंस्ड करने का प्रयास करेंगे। ये संतुलित कब होगा, उसके बाद जो ये क्षेत्र होता है, मैं इसे क्लियर कर दूँ, ये नॉर्थ ईस्ट के बाद जो ये क्षेत्र है, ये है रिक्रिएशन, फन एंड एन्जॉयमेंट का एरिया, अर्थात जीवन में आपको प्रसन्न रहने के मौके यही क्षेत्र देता है, आपको खुशियाँ जीवन में आपके घर का यही क्षेत्र देता है। जीवन में खुशियाँ नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, तो हो ना हो आपके घर का यह क्षेत्र डिस्टर्ब हो सकता है। इस क्षेत्र को देख लें, कहीं आपने कुछ ऐसी वैसी एक्टिविटी तो यहाँ नहीं कर दी है, यदि आपने कोई गलत निर्माण कर दिया, गलत चीज़ों का निर्माण कर दिया, यहाँ आपने इस क्षेत्र में सेप्टिक टैंक बना दिया, टॉयलेट बना दिया, रसोई भी बना दिया, तो वो इसकी ऊर्जा को डिस्ट्रॉय करेगा, और क्या करेगा, स्टोरेज बना दिया, इसकी ऊर्जा को डिस्ट्रॉय करेगा, आपके जीवन से खुशियाँ और प्रसन्नता गायब हो जाएगी, आपको मौके ही नहीं मिलेंगे प्रसन्न होने के, खुश होने के। अब है नेक्स्ट क्या है, उसके बाद पूर्व दिशा, ये है पूर्व दिशा, नेक्स्ट ईस्ट, ये क्या पूर्व दिशा क्या देता है, पूर्व दिशा सोशल कनेक्टिविटी का क्षेत्र है, सोशल नेटवर्किंग का क्षेत्र है। आपको यदि सोशल नेटवर्क बनाना है, लोगों से जुड़ने वाला कोई भी वर्क करते हैं, बिजनेस जिसमें अधिक से अधिक लोगों से जुड़ना पड़ता है, बहुत तरह के वर्क हैं सोशल कनेक्टिविटी वाले वर्क, मूल रूप से यह दिशा को शुद्ध अवश्य रखें। यदि यह दिशा अशुद्ध हो गया, असंतुलित हो गया, तो सोशल कनेक्टिविटी और नेटवर्क भंग हो जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये था पूर्व दिशा। पूर्व दिशा के बाद आता है ईस्ट और साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट का दिशा, जिसे शास्त्र में मंथन का दिशा कहा गया है, दही मंथन, किसी भी चीज़ पर मंथन करना हो, गंभीरता से विचार करना हो, तो यह क्षेत्र उपयुक्त होता है। इस क्षेत्र का असंतुलन अर्थात सही से आपको विचार करने नहीं देगा, क्रिएशन करने नहीं देगा, इन चीज़ों को ये नुकसान पहुँचाता है। उसके बाद आता है ये साउथ ईस्ट का दिशा, ये जो दिशा यहाँ से यहाँ तक बच के आया, ये साउथ ईस्ट, हालांकि अग्नि और फायर का जोन यहाँ से यहाँ तक है, इसके बाद से ये रेड देख रहे हैं, ये फायर का जोन शुरू होता है, ये पूरा फायर का जोन है।
अब फायर वाले जोन में यदि हम पूरे की बात कर ले, मैं एक एक करके लेता हूँ, ये है आपके साउथ ईस्ट, ये फायर है, वाटर एलिमेंट यहाँ क्रिएट नहीं करना है, हैंड पंप नहीं लगाना है, बोरिंग नहीं लगाना है, कुआं नहीं बनाना है, सेप्टिक टैंक नहीं बनाना है, इन सब चीज़ों से यहाँ वाटर एलिमेंट क्रिएट होगा और फायर को डिस्टर्ब करेंगे। यह क्षेत्र है आपके कैश और लिक्विडिटी का क्षेत्र, इन क्षेत्रों में इम्बैलेंस सीधा कैश और लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आपके लाइफ में क्रिएट कर सकता है। तो इन क्षेत्र को असंतुलन करने की चीज़ों को जान लिया। संतुलित करने के लिए रसोई बनाइए, जनरेटर रूम बनाइए, कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है भी उन चीज़ों का रूम आप यहाँ बना सकते हैं। उसके बाद वाली दिशा होती है साउथ ईस्ट के बाद जो दिशा आती है उस दिशा का नाम है वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट SSW। यह क्षेत्र माना गया है SSW का क्षेत्र पावर एंड कॉन्फिडेंस का। SSW का क्षेत्र क्या है? पावर और कॉन्फिडेंस का क्षेत्र। आपको यदि ऐसा लगता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, पावर की कमी है, तो कहीं ना कहीं आपके घर का यह क्षेत्र डिस्टर्ब है। यह क्षेत्र भी फायर एलिमेंट के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में वाटर से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी आप करते हैं, वाटर का अंडरग्राउंड टैंक बना लिया, ये क्षेत्र डिस्टर्ब हो जाएगा। सेप्टिक टैंक बनाया, यह क्षेत्र डिस्टर्ब हो जाएगा। जल का किसी तरह का स्रोत बना दिया, यहाँ पर है भी स्रोत, यह क्षेत्र डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों में हमें यहाँ पर बचना चाहिए इस क्षेत्र में। उसके बाद आता है दक्षिण का क्षेत्र, ये देखिए, ये है दक्षिण का क्षेत्र। साउथ ईस्ट से लेकर दक्षिण तक क्या है? ये फायर एलिमेंट है। और नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ ईस्ट तक क्या है? एयर एलिमेंट, ये एयर एलिमेंट है। और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक क्या है? ये वाटर एलिमेंट का क्षेत्र है। आप यदि क्षेत्र को, एलिमेंट को जान जाते हैं और समझ जाते हैं और उससे संबंधित असंतुलन करने वाली किसी भी एक्टिविटी को नहीं करते हैं तो वास्तु में असंतुलन होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती। तो हम बात कर रहे थे दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिण का यह क्षेत्र अति महत्वपूर्ण कहा गया है शास्त्र में। ये रिलैक्सेशन और फेम का क्षेत्र है। आपके वर्क में जो आपका नाम होता है, जो पहचान होता है, वो यही क्षेत्र देता है। आपके जीवन में जो आप रिलैक्स होते हैं या निश्चिंतता का बोध कराता है, वो यही दक्षिणी क्षेत्र है। दक्षिणी क्षेत्र का असंतुलन आपके नाम को खराब कर सकता है मार्केट में। यहाँ का असंतुलन जीवन में निश्चिंत होने नहीं देगा। असंतुलित कौन करेगा? दक्षिणी क्षेत्र में आपने बड़ा गड्ढा बना दिया, असंतुलन की स्थिति होगा। गड्ढा किस रूप में हो सकता है? कुएं के रूप में बना दिया, सेप्टिक टैंक के रूप में बना दिया, अंडरग्राउंड वाटर टैंक के रूप में बना दिया। ये सारी एक्टिविटी इस क्षेत्र को असंतुलन करेगी और समस्या उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है आपको। उसके बाद आता है साउथ साउथ वेस्ट का क्षेत्र। साउथ साउथ वेस्ट का क्षेत्र, यह क्षेत्र है डिस्पोजल एक्टिविटी, बेकार की चीज़ों को बाहर करने का क्षेत्र ये माना गया है। अर्थात हम इस जगह पर क्या कर सकते हैं? इस जगह पर हम टॉयलेट बना सकते हैं, डिस्पोजल एक्टिविटी है, यहाँ हम टॉयलेट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसी चीज़ों का क्रिएशन कर सकते हैं, शौचालय बना सकते हैं, बाथरूम बना सकते हैं। इस जगह पर रसोई नहीं बनाना है, इस जगह पर यदि बेडरूम हो तो बेड नहीं लगाना है, यह भी आपको ध्यान देना है, यहाँ पर बेड नहीं लगाना है। नेक्स्ट हम देखें तो ये है साउथ वेस्ट का क्षेत्र। साउथ वेस्ट का क्षेत्र मूल रूप से रिलेशन और स्किल का क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र का असंतुलन सीधे आपके रिलेशन और आपके स्किल, आपके अंदर में जो क्षमता है, जो गुण है, उसको नष्ट करेगा। और आपसे के साथ लोगों के जो संबंध हैं फैमिली के अंदर और फैमिली के बाहर, उसको भी ये बर्बाद करने का प्रयास करेगा। कब?
जब इस क्षेत्र में असंतुलन की स्थिति आप उत्पन्न कर देते हैं। ये कौन सा क्षेत्र है? यह क्षेत्र है अर्थ एलिमेंट। इतना क्षेत्र आता है, ये दो दिशा आती है अर्थ एलिमेंट के अंतर्गत। इसका असंतुलन किस प्रकार से होता है? यहाँ पर आपने शौचालय बना दिया, असंतुलित हो जाएगा। रसोई बना दिया, असंतुलित हो जाएगा। डोर बना दिया यहाँ पर, यह असंतुलित हो जाएगा। तरह तरह की अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी है जो असंतुलित कर सकती है। इस गलत एक्टिविटी वाली किसी भी चीज़ों को यहाँ हमें नहीं लेना है। नेक्स्ट बात करें तो साउथ वेस्ट के बाद आता है वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट का जो क्षेत्र होता है, ये एक तरह से कहा गया है इसको एजुकेशन का क्षेत्र, या कहें एक तरह से एजुकेशन और सेविंग का क्षेत्र, शिक्षा एवं बचत का क्षेत्र कह सकते हैं। यहाँ पर असंतुलन आपके बचत पर प्रभाव डालेगा, अर्थात धन तो कमाएंगे, यदि बच नहीं रहा है तो समझ जाएं कि इस क्षेत्र में असंतुलन है। बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, ध्यान नहीं देते हैं, एजुकेशन की कमी है, नॉलेज नहीं है, इस क्षेत्र में समस्या हो सकती है। समस्या कौन क्रिएट करेगा? टॉयलेट है तो वह भी यहाँ समस्या क्रिएट कर देगा। यहाँ पर आपने रसोई बनाया है तो वह भी समस्या क्रिएट कर देगा। कई एक चीज़ें हो सकती है। वाटर एलिमेंट क्रिएट कर दिया है तो वह भी समस्या यहाँ क्रिएट कर देगा। तो चीज़ों को हमें सोच समझ कर निर्माण करना चाहिए। उसके बाद है पश्चिम का क्षेत्र। पश्चिम का क्षेत्र अर्थात तो वेस्ट का क्षेत्र, यह क्षेत्र आता है पश्चिम का क्षेत्र। इस क्षेत्र को हम लाभ और प्राप्तियों के क्षेत्र से, जो गेन होता है आपको, ये पश्चिम का क्षेत्र देता है जो लाभ होता है। तो इस क्षेत्र का असंतुलन आपको होने वाले प्राप्तियों और लाभ पर ब्रेक लगा सकता है, यदि आपने इस क्षेत्र में असंतुलन उत्पन्न कर दिया है। तो हमें ध्यान देना है कि पश्चिमी क्षेत्र को असंतुलन ना हो। नेक्स्ट आता है पश्चिमी क्षेत्र के बाद वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की दिशा। यह है डिप्रेशन का जोन। प्राचीन समय में यहाँ रोदन गृह का निर्माण किया जाता था। अब ये क्षेत्र डिप्रेशन का है, लो मूड का है, लो एनर्जी का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में हमें 5 से 10 मिनट तक हम बैठ सकते हैं, लेकिन अधिक समय इस क्षेत्र में नहीं बिताना चाहिए। तो हमें यहाँ पर बेडरूम नहीं बनाना है। यदि बनता है तो इस क्षेत्र में बेड को नहीं लगाना चाहिए। साथ में यहाँ क्या कर सकते हैं? तो इस क्षेत्र में हम टॉयलेट बाथरूम का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद आता है नॉर्थ वेस्ट का क्षेत्र। नॉर्थ वेस्ट का क्षेत्र ये कहलाता है, ये क्षेत्र है बैंकिंग एवं सपोर्ट का क्षेत्र। आपको लगता है कि बैंकिंग अर्थात गणक का क्षेत्र में या सपोर्ट के क्षेत्र में आपका असंतुलन दिख रहा है, इसका अर्थ है कि नॉर्थ वेस्ट असंतुलित हो सकता है। इस क्षेत्र का असंतुलन बैंकिंग और सपोर्ट पर डायरेक्ट इफेक्ट डालता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि 16 दिशाओं के अलग अलग गुण हैं और प्रत्येक गुण का अपना एक अर्थ है, अपना एक महत्व है। और किसी भी दिशा में असंतुलन होना अर्थात उसके गुण का, वहाँ से जो एनर्जी है, वहाँ की जो पॉजिटिव एनर्जी है, उस एनर्जी को सीधा वो नष्ट करता है। तो वास्तु का संतुलन जब हम बना लेते हैं, नॉर्थ दिशा में हमने संतुलन कर दिया, अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी, पैसे आते रहेंगे। यह दिशा संतुलित है, बैलेंस्ड है, तो हम स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, हेल्थ और इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। इसी प्रकार से प्रत्येक दिशा बटा हुआ है, अपना अपने गुण धर्म है। उस गुण और धर्म के अनुसार हम यदि निर्माण कर देते हैं तो हमारे घर का वास्तु संतुलित रहता है, या हमारा घर असंतुलित है तो कहीं ना कहीं हम कुछ छोटे छोटे उपाय करके भी अपने घर के वास्तु को बैलेंस्ड कर सकते हैं। आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे हम। धन्यवाद।